हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नौरत्नागढ़। और जैसे कि अभी पहुंचते ही बारिश शुरू हो चुकी है, पहाड़ चढ़ाई करते करते सांसें फूलने लगी। हम लोग पहुंचे हैं ऐसे जगह पर, शायद यहाँ मंदिर हुआ करता था। ब्रजेंद्र साल ने अपने रानियों के लिए एक तालाब बनवाया था। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं हूँ सुशील और आज है 28/8/2022 दिन रविवार, और हम निकल पड़े हैं नौरत्नागढ़ की। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। मौसम वैसे बादल किया है, पानी आने का उम्मीद तो है लेकिन कुछ पकड़े हुए नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा होता वैसे। तो हम लोग अभी तेल भरा लेते हैं, अभी बहुत दूर जाना है तो तेल भराना जरूरी है। गाड़ी में तेल ऐसे भी कम है, पेट्रोल। तो तेल भरा लिए, अब हम लोग चलते हैं अपने मंजिल की ओर। अभी हम पहुंच गए हैं जम्हार। आज संडे है तो आज बाजार लगी है, संडे और बृहस्पतिवार दो दिन लगता है वैसे, और भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही होता है। गोविंदपुर रेलवे फाटक, और अभी भी लगभग 42 किलोमीटर हम लोग को जाना है। अगर आप रांची से आते हैं तो आपको पड़ेगा 71 किलोमीटर। बेड़ो भरनो सिसई होते हुए आप जा सकते हैं। अभी तो हम लोग अभी जा रहे हैं खूंटी से, तो हम लोग को पड़ेगा 68 किलोमीटर। यहाँ पर बच्चे एंजॉय करते हुए, ये है दीवार का साइज। आजकल बनते हैं इतना फर्क है का? अरे इतना छोटा छोटा दरवाजा, छोटा छोटा दरवाजा। और यहाँ पर काम जोरों पर है। शीतल यहाँ पहाड़ों का चढ़ाई करते हुए, और हम दोनों अभी चढ़ाई पे लगे हुए। पहाड़ चढ़ाई करते करते सांसें फूलने लगी, और रहा किला। ओके, तो हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये जो पूरा क्षेत्र फैला हुआ है ये लगभग 27 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, और असली किला है वो जो सामने दिख रहा है, ये जो है नवरत्ना किला। ये किला अंदर से कुछ ऐसे लगता है। ओ भाई, पूरा जर्जर स्थिति में। चलो दो तला चलते हैं। हाँ, दो तला नव किला का ये मंजिला घर। अरे नहीं, चढ़ो, उतरो उतरो। उससे बारिश हो रही, हालांकि कैमरा में पता नहीं चल रहा वैसे, पर बड़ी भयंकर आ रहा है पानी। बादल देख सकते हैं, बादल पूरा वाइट है। और आप लोग को दिखाते हैं आगे क्या है क्या नहीं। सामने एक मंदिर दिख रहा है, मंदिर नहीं वो भी किला ही है शायद। और इधर इधर एक मंदिर दिख रहा। दुर्जन साल को 1606 में जहांगीर ने गिरफ्तार कर उसे अपने साथ ग्वालियर के जेल में ले गया था। जहांगीर का दुर्जन साल को गिरफ्तार करने का मुख्य कारण ये था कि उसके पास बहुत सारे हीरे थे दुर्जन साल के पास, जो कि उसने शंख नदी से प्राप्त किए थे। उसी के लालच में आकर जहांगीर ने दुर्जन साल को अपने साथ ग्वालियर ले गया था। फिर वहां से 20 साल अपने साथ रखने के बाद उसे अच्छे दुर्जन साल के अच्छे बर्ताव के कारण उसे जहांगीर ने रिहा कर दिया। फिर उसने आकर दुर्जन साल ने लगभग 16वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण कराया। हालांकि अभी इसकी स्थिति 400 साल बाद भी बहुत अच्छी है। इसकी दीवार की मोटाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, लगभग 5-6 फीट आराम से हो जाएगा। हाँ, और दुर्जन साल ने अपने रानियों के लिए एक तालाब बनवाया था, इसमें सारे रानियां आती थी और नहाती थी। यहाँ के स्थायी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इस तालाब में एक सुरंग हुआ करता था, जिससे रानी इस महल में जाया करती थी। हालांकि अभी तक सुरंग तो दिखा नहीं है, पर ट्राई करते हैं। पर था कोई स्थायी लोग भी नजर नहीं आ रहा है, इसके कारण नहीं दिखा सकते हैं। और अभी हम लोग पहुंचे हैं ऐसे जगह पर, शायद यहाँ मंदिर हुआ करता था। जरा सामने जाके देखते हैं। हाँ, जहाँ तक लग रहा यह मंदिर ही हुआ करता था।
और ये देख सकते हैं आप, ये सब पत्थर को काट कर कितना अच्छा कलाकृति है। और ये जो दिख रहा है ये सब पत्थर ही है जिस पे ये लगा हुआ है। बारिश में भींगते हुए वीडियो शूट करना मजा तो आ रहा है पर ठंडा बहुत लग रहा है। और ये मेरे पीछे शीतल खड़ा पानी में भींगते हुए, हम दोनों देखिए भींग के पूरा पानी पानी हो गए। अभी घर भी जाना है पर क्या करें, ब्लॉग भी शूट करना जरूरी था तो इसी, और हम भी भींग चुके हैं। ये देखिए बारिश का मजा लेते हुए, मन तो कर रहा है और थोड़ा देर रुके फिर शॉट वगैरह ले, पर नहीं हो पाएगा शायद, तो ठीक है। यह मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगर अपना कुछ राय देना है तो वीडियो में कमेंट जरूर से ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अभी के लिए बाय, और ये सिनेमेटिक शॉट इन्जॉय करें। थैंक यू।